देखिए, एक सवाल है आप लोगों से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से। मैं रात में 9 बजे लाइव पर मैं आता हूँ, घंटे डेढ़ घंटे मैं बोलता हूँ। 75 साल का रिकॉर्ड, ये मेरा गला इसीलिए बैठ जाता है, 75 साल का प्रकृति का, प्राणी का, सेवा का एक रिकॉर्ड है, अपने आप बन गया करते 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 करते। अब आज एक सवाल मन में आता है कि पूरी दुनिया में 1% ही मानव के बचा है। एक सवाल है, बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े सब तो हैं, हजारों लाखों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब तो हैं, मगर 1% मानव क्यों है? यही सवाल है हमारा। नंबर 2, कोई भी कार्य किया जाए अनवरत लगातार और लंबे समय तक, वही रिकॉर्ड बनता है। उसी को सुनना चाहिए, उसी को समझना चाहिए। बाकी आज के इंटरनेट के जमाने में हर काम 9 महीने नहीं, 9 घंटे में लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं। 9 घंटे में वो क्या 9 घंटे में बच्चा पैदा होगा? हो सकता है, लेकिन आज हो रहा है, आज हो रहा है। कहीं मानवता है ही नहीं, ना 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 ना, कहीं मानवता है ही नहीं। मैं बंदर खिलाते खिलाते कम से कम 1975 से मैंने ये काम शुरू किया था बंदरों वाला, और बाकी जो जो पशु पक्षी हैं, गाय गधा कुत्ता सुअर, वो तो हमारा बचपन का रिकॉर्ड है, बचपन से। और मैं बुढ़ा हो गया, 84 साल में मैं चल रहा हूँ। कोरोना काल में एक दिन भी मैंने नागा नहीं किया, यही डॉक्टर राजपी सिंह ने कहा कि इसके ऊपर शोध होना चाहिए। हम कहा हमारे देश में नहीं होगा। सुभाष चंद्र जी का सौदा किया गया, भगत सिंह को बचाया नहीं गया, और माँ गंगा के लिए 49 दिन का मैंने अनशन किया। कोई जानता है इस बात को? कोई नहीं, मीडिया जानती है, अखबारों में छपे, एक अपने आप में रिकॉर्ड है। क्या हिंदुस्तान का मैं अकेला हिंदू हूँ? कहाँ बाबा लोग थे, कहाँ नेता लोग थे? एक सवाल है। ऐसा सवाल किया जाएगा महाराज, तभी देश में परिवर्तन होगा, और नहीं कुछ होने वाला है। आज के समय में 70 सालों में जो नेता लोग नहीं कर पाए, वो 7 सालों के अंदर हमारे योगी जो मोदी जी ने करके दिखा दिया। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, असंभव। तब मैंने कई बार कहा कि मोदी योगी जी को ये स्वयं नहीं मालूम कि उनके ऊपर उनसे कौन ये काम करा रहा है। भाई वो ही तो हमारे आपके बीच के हैं, इंसान ही तो हैं, उनको ये श्रेय क्यों मिला? क्योंकि बचपन से उनके अंदर भाव था, राष्ट्रवादी थे, न भाई भतीजावाद वाले थे, न ये धन इकट्ठा किया, न अपनी बिल्डिंग बनवाई। अब लोग टीका टिप्पणी करते हैं, तो मैं उनसे खुद कहता हूँ, भैया मैं भी कहता हूँ मोदी योगी बड़े खराब, अब बड़े खुश हो जाते हैं। मैं भी कहता हूँ बड़े खराब, लेकिन हमें ये बताओ हिंदुस्तान के लोगों कि क्या उनका झोला दिखा सकते हो? बोलो, कोई नेता हो सामने आ रहे और बता रहे कि उनके मैं बराबरी कर सकता हूं, कोई सामने आओ है किसी की बिल्डिंग में, अरे अब न कहलवाइए तो अच्छा है। सब भाई भतीजावाद, इनके अंदर कोई भाई भतीजावाद है? कोई सुजन में पैसा जमा हुआ इनका, कहीं बिल्डिंग बनी? इसलिए हमने कहा बड़े खराब, अंधवा ने कन्वे राजा मान लो, अच्छे तो है। इनकी बराबरी करने वाला कौन है हिंदुस्तान में? न था, न है और न होगा। देखिए कुछ चीजें श्रीमान जी गॉड गिफ्टेड होती है, ईश्वर प्रदत्त होता है ना। कोई काम किया जाए वो ढंग से किया जाए, नहीं प्रमाण से किया जाए। अगर प्रमाण नहीं है तो भैया फिर 365 लोग घूम रहे हैं, जादू दिखाते हैं। जादू मत दिखाओ, प्रमाण दिखाओ, सत्यता दिखाइए। तो हमारा लोगों से निवेदन है कि रात को मैं 9 बजे 8:30 बजे लाइव पर मैं बोलता हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ, मुझसे कोई बोलवाता है। लोग कमेंट करते हैं कि बाबा जी आप न पढ़े हैं न लिखे हैं, और धारा प्रवाह 2-2 घंटे कैसे बोलते हैं? हमने कहा हमसे कोई करवाता है? जो भी मैंने जीवन में किया है या जो मैं कर रहा हूँ, यह मुझसे कोई करवाता है? मैं किसी के आदेश से कर रहा हूँ। ये जरूरी है कि हर आदमी महिमा मंडित हो जाए तभी उसको आप जाना जा। हमने एक सवाल किया कि पूरा हिंदुस्तान का हिंदू कहां था उस समय जब 49 दिन में जान पर खेल के अंतर मैंने किया? बहुत बड़ा सवाल है महाराज।
इतना बड़ा सवाल है कि लोगों को तुल्य भटवानी में डूब मरना चाहिए जो अपने आप को कुछ लगाते हैं, है ना। बात वो बोलो तो ललकारो यूट्यूब है, मोदी जी के अंबानी की कृपा से यूट्यूब हमको मिला, पूरे देश को मिला। आज हम यूट्यूब पर ललकार रहे, सवाल कर रहे हैं। ठाकुर रत्नेश्वर सिंह वो राजघराने से कनेक्टेड है, स्टेट वाले हैं, ठीक। 2 करोड़ का मेरे ऊपर इनाम रख दिया, 2 करोड़ का, 1 करोड़ का पहले 1 करोड़ और बढ़ा दिया। कहीं नाराज नहीं होगा, हम अपने आप को ही तराजू में बैठ, क्यों ऐसा कहा उन्होंने, क्यों हमारे यहाँ मुख्य न्यायाधीश आए, चने की माला पहनाए, 3 जिलाधिकारी आए, 3 सिटी मजिस्ट्रेट आए, चने की माला पहनाते रहे, जिसको जिससे लाभ हुआ। एक सुमन माँ है दिल्ली में, हमारी बेटी की उम्र से कम उम्र है, उनको सुमन माँ का मैंने दर्जा क्यों दिया, लाखों रुपए घर का फूट दिया, लाखों, पति है नहीं, आमदनी कोई है नहीं, इसका मैंने कहा मेगा बहन ये सुमन माँ आप एक एनजीओ बनाओ, क्या दिल्ली हरियाणा है, खैर उन्होंने हमारे कहने से एनजीओ बनाया। देखिए पहले अपनी कुर्बानी दो, कई साल का रिकॉर्ड दिखाओ, तब फिर एनजीओ बनाओ, और यहाँ पैदा लोग बाद में होते हैं, एनजीओ पहले बना देते हैं, ये कहाँ से देश हमारा चलेगा, क्या होगा देश में, है? आप जाइए जरा गौशालाओं में, सरकार ने जो बड़ी व्यवस्था कर लिया, लेकिन गौशालाओं में क्या हो रहा है, आंखों से देखा ही आप देखे, काम कीजिए। भगवान श्री के जन्माष्टमी आपने देखा, लाखों करोड़ों लोगों ने मनाया, वही जोश खरोश, क्या गाय की सेवा नहीं लोगों को करना चाहिए, क्या भगवान श्री कृष्ण यही चाहते थे कि जन्माष्टमी मनाओ, करोड़ों अरबों लुटाओ और गौ माता को तड़प तड़प के मरने दो। आज भी अस्पताल में भी, अभी परसों नर्सों की बात है, पशु अस्पताल, एक लड़का है भुवन सिंह, सरोदय नगर में रहता है, वो हमको रिपोर्ट देता है, महाराज अभी यही सरकारी अस्पताल में गाय कीड़े पलपा के मर रहे हैं, यही पशु अस्पताल में, आप जाइए चुपचाप खुफिया जांच करवा लीजिए, अस्पताल में भर्ती गाय कीड़े पलपा के मरते हैं। महाराज जब तक आप यथार्थवादी नहीं बनेंगे, याद रखिए यह दम फटने से आप नहीं रोक पाएंगे, और मौत की ट्रेन सबके लिए आ रही है, केवल गीत भजन से काम नहीं चलने वाला, कुछ कीजिए और लोगों को बताइए, और सेवा वो है जो निस्वार्थ हो, अगर स्वार्थ है तो सेवा कहाँ है। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, हमारा मतलब कि आप लाइव पर आइए, सुनिए और अपनी राय हमको दीजिए। 84 में हम चल रहे हैं, 2-4 साल का अगर जिंदगी है तो, वरना हम तो 2018 में चले गए थे। जय श्री राम।